अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं और नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसेरा मोटरवे पर और इस नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक मुनफरिद किस्म का इवेंट लेकर आए हैं। एप्टोवार अंडरग्राउंड के ज़ेर निगरानी ऑटो शो मुनक़द किया जा रहा है और इस ऑटो शो में पाकिस्तान भर से खूबसूरत गाड़ियाँ शिरकत कर रही है और कार लवर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो चलते हैं, गाड़ियाँ भी देखते हैं और ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी गपशप करेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत और मारूफ़ ज़माना गाड़ी मर्सिडीज आई हुई है। आए जानते हैं ये गाड़ी किस मॉडल की है और इस कंडीशन में कैसी रखी गई है। चलते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का फजल जी। सर सबसे पहले तो बताइए ये गाड़ी किस मॉडल की और इतने अच्छे कंडीशन में रखी कैसे? ये मॉडल है जी 85, ये पेट्रोल में है और ET20 है। और सर वैसे तो हम देखते हैं कि नौजवानों में ऑटो शो का बड़ा शौक होता है, माशाल्लाह आपका ये शौक अब तक ज़िंदा है, इसके हवाले से बताइएगा। जब तक सांस तब तक आस, इस तरह ज़िंदगी गुजरती है इंसान की। जी थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थे ये बुजुर्ग इस वक्त ऑटो शो में शिरकत कर रहे हैं। आइए मज़ीद भी अच्छी अच्छी गाड़ी आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी देखते रहिए। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मानसेरा के नौजवान अमार, इनका नाम है, अपनी गाड़ी लाए हुए हैं। पूछते हैं गाड़ी में क्या खासियत है? सर ये सिविक 2001 है, VTI ओरियल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, D15 इंजन है, कोलेवर्स डले हुए हैं थ्री वे इसमें और इंटेक वगैरह डला हुआ है, डाउन पाइप हुआ है, स्टैगर रिम लगे हुए हैं गाड़ी को और सेमी बकेट सीट्स हैं और SI गैस में पैनल चैनल डला हुआ हैवी साउंड सिस्टम डाला हुआ है और बॉडी किट्स वगैरह डाली हुई हैं, प्रोजेक्शन लैम्प्स हैं और ये सब कुछ है इस गाड़ी में। कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती, इस गाड़ी का शौक पूरा करने में आपका कितना खर्चा आ गया? बेताशा जी, देखिए मेरे पास 10 साल से ये गाड़ी, तो बस जो जोड़ते हैं इस पर लगा देते हैं, तो अभी रिजल्ट आपके सामने है। चले जी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरे साथ एक और यहाँ पर पार्टिसिपेंट मौजूद है, कार लवर है, इनसे पूछते हैं जी गाड़ियाँ पसंद आ रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं या नहीं? हाँ माशाल्लाह से भाई जान, सारी माशाल्लाह जितनी भी गाड़ियाँ आई हुई हैं, अच्छी गाड़ियाँ आई हुई हैं, प्यारी हैं, लोगों ने मॉडिफाई करवाई हुई हैं, इसमें की तैयार करवाई हुई हैं, बहुत माशाल्लाह पसंद आई हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, अपनी गाड़ी भी लाई हुई है, सब इंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी ऑटो शोज पे जाते रहे या फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं भाई जान, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सुनता रहा हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम आया हूँ, अपनी गाड़ी लेके फर्स्ट टाइम आया हूँ। चले जी थैंक यू सो मच। जी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, बच्चे भी आए हुए ऑटो शो में। आए जी आपका नाम क्या है? सफवान अब्दुलरहमान। कहाँ से आए आप? एप्टाबाद। ऑटो शो एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत। गाड़ियाँ तो बहुत ज्यादा आई हुई है, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल तो हो रही होगी पसंद करने में? अपनी गाड़ी सबसे अच्छी है। कौन सी गाड़ी आपकी? अच्छा मर्सिडीज आपकी है, तो कब से रखी हुई है आपके बाबा ने? तो बड़ी प्यारी गाड़ी रखी हुई है। 12 ईयर्स हो गए। 12 ईयर्स हो गए। चले थैंक यू, इंजॉय करें। तो मौजूद है फरजंदे स्पीकर KPK असेंबली मिस्टर हरमैन गनी साहब, इस ऑटो शो में शिरकत कर रहे हैं। बढ़ते हैं हरमैन साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। ऑटो शो आपने देखा है, मुनफरिद गाड़ी आई हुई, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई इनमें? माशाल्लाह सब ने बहुत मेहनत की है, सब बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, काफ़ी सारा डिफरेंट मुझे देखने को मिल रही हैं गाड़ियाँ, बट सबसे बेहतरीन मुझे तो मर्सिडीज़ लगी है, बाकी सब ने मेहनत की हुई है, अल्लाह सबको तौफीक दे। अच्छा मर्सिडीज़ के हवाले से हम अभी एक शॉट कर रहे थे, वो बुज़ुर्ग शौक से आए हुए, शौक रखे, यूजुअली देखते नौजवानों में शौक होता है, तो ये थोड़ा सा बताइए कि एक बुज़ुर्ग भी इस तरह का शौक रख सकते हैं? कोई रख सकते हैं, शौक तो शौक के लिए एज मैटर नहीं करती, तो हर कोई रख सकता है, इसलिए तो कोई बात नहीं है ऐसा। दैट्स ऑल। और ऑटो शो इवेंट्स जो होते हैं बड़े कम होते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि साल में एक बार दो बार होते हैं, तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी, ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है और इनको मौका मिलता है अपने टैलेंट प्रमोट करने का और पाकिस्तान की चीज़ों का। दैट्स ऑल जी, थैंक यू सो मच हरमैन, थैंक यू जी। तो आज के तमाम मनाजिर आपने देखे, उम्मीद है आप खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे और इस वक्त वीडियो हमारी अख्ताम पसीर हो रही है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।